हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टेली स्पार्कली। आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ टेली प्राइम का हम लाइसेंस को सरेंडर कैसे करें और टेली प्राइम के लाइसेंस को हम रीएक्टिवेट कैसे करें। तो देखिए, सबसे पहले अपन को करना है, आपको टेली प्राइम ओपन करना है। मैं पहले आपको बताता हूँ सरेंडर क्यों करना है। जैसे मान लीजिए आपका एक सिंगल यूजर लाइसेंस है और आपको किसी और सिस्टम में ओपन करना है अगर लाइसेंस को, तो आपको पहले इस सिस्टम से आपको सरेंडर करना पड़ेगा। तो सरेंडर करने के लिए देखिए, मैं आपको बताता हूँ आपको क्या करना है। आपको राइट साइड में यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ F1, आप यहाँ पे F1 पे एंटर कीजिए। जैसे आप F1 पे एंटर करेंगे तो यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन है सेटिंग्स का। जैसे आप सेटिंग्स पे एंटर करेंगे तो यहाँ पे लाइसेंस का एक ऑप्शन दिख रहा होगा आपको। आपको फिर दोबारा इस पे एंटर करना है। जैसे आप इस पे एंटर करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ रहा है मैनेज लाइसेंस और मैनेज अकाउंट्स। तो अभी आपको लाइसेंस सरेंडर करना है तो लाइसेंस पे एंटर कीजिए। जैसे आप मैनेज लाइसेंस पे एंटर करेंगे तो आपका इस टाइप का एक लाइसेंस इन्फॉर्मेशन खुल जाएगा, जो भी आपका लाइसेंस का इन्फॉर्मेशन होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सरेंडर करने के लिए आपको राइट साइड में देखना है, यहाँ पे एक शॉर्टकट की दी हुई है F7, इसके जस्ट सामने एक एरर की दी हुई है, आप इस पे एंटर कीजिए। जैसे आप इस पे एंटर करेंगे तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सरेंडर F7। आप कंट्रोल के साथ F7 ही प्रेस कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट यहाँ पर जाकर F7 पर सरेंडर पे भी एंटर कर सकते हैं। जैसे आप उस पे एंटर करेंगे तो आपका जो भी यूजर आईडी पासवर्ड है आप यहाँ पे डाल दीजिए, देन आपका लाइसेंस जो है वो सरेंडर हो जाएगा। यहाँ से देखिए मैं आपको डाल के बताता हूँ। देखिए ये मैंने आईडी और पासवर्ड डाल दिया है, देन मुझे इसको एंटर करना है। जैसे आप एंटर करेंगे तो ये आपसे पूछेगा कि वाकई में आप सरेंडर करना चाहते हैं। अगर आपको सरेंडर करना है तो आप यस कर दीजिए, नहीं करना तो आप नो कर दीजिए। अभी मुझे करना है तो मैं इसको यस करता हूँ। जैसे ही मैं इसको यस करूँगा देखिए यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आएगी कि लाइसेंस सरेंडर सक्सेसफुली। फिर आपको कंटिन्यू करना है। जैसे आप एंटर करेंगे देखिए आपको अब जो भी आपका लाइसेंस था वो सरेंडर हो चुका है। अब आपको रीएक्टिवेट करना है, तो रीएक्टिवेट करने के लिए क्या करना रहेगा, देखिए यहाँ पे थर्ड नंबर पर ऑप्शन है रीएक्टिवेट लाइसेंस, आपको उसको एंटर करना है। जैसे आप इस पे एंटर करेंगे तो आप यहाँ पे आपका यूजर आईडी, देन आप यहाँ पे पासवर्ड डाल दीजिए। जैसे आप इसे पासवर्ड डालेंगे और एंटर प्रेस करेंगे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कॉन्ग्रेचुलेशन योर लाइसेंस इज रीएक्टिवेट, तो आप इसको यस कर दीजिए और आपका जो भी लाइसेंस था वो रीएक्टिवेट भी हो चुका है। तो दोस्तों बहुत आसान तरीका है सरेंडर करने का, रीएक्टिवेट करने का। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।